मसूरी में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की तीसरी पुण्यतिथि पर मसूरी में पौड़ी गढ़वाल विकास समिति द्वारा शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष हवन का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों ने विपिन रावत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की, श्रद्धांजलि की, जहां पर देश के लिए उनके योगदान और बलिदान को याद किया गया। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल और ओपी उनियाल ने कहा कि भारतीय सेवा के पहले सीडीएस का बलिदान और उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। देश की जो कमान उनके हाथ में थी आर्मी की, वो जल्दी छोड़कर चले गए। ये बहुत दुखद था, बहुत बहुत बड़ी क्षति इस देश को हुई है। उन्होंने इस फौज को, इसमें स्तंभ प्रणाली को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान उनका देश में रहा है। वो हमारे प्रथम सीडीएस भी रहे। बहुत ही जिस तरीके का उन्होंने देश में रक्षा प्रणाली बनाई, अपने जो हमारे जो जवान हैं उनके लिए योजनाएं बनाई, उनके उनके जो जहां पर वो ड्यूटी पर तैनात होते हैं, चाहे वो सियाचिन हो, ग्लेशियर हो, वहां पर उनके क्या उनको चाहिए, उनको हर चीज़ की उन्होंने सुविधा उपलब्ध कराई। वो जिस रेजिमेंट के थे, गोरखा रेजिमेंट से आकर के उन्होंने देश की कमान संभाली, और इनकी तुलना जो है बिपिन रावत जी की तुलना फील्ड मार्शल सैम से की जाती है, मानेक शाह से की जाती है, कि दोनों व्यक्ति देश के ऐसे जनरल हुए हैं कि जो बेबाक तरीके से अपनी बात को करते थे, और कई बार इनका विरोध भी होता था कि भाई आप इस तरह से बेबाक किसी कोई बात नहीं कर सकते। तो ऐसा व्यक्तित्व को यहाँ पर आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 2021 में मद्रास में F-16 जो कि हिंदुस्तान का सबसे सेफेस्ट जहाज माना जाता है, और उसमें अपने साथ उनकी धर्मपत्नी और साथ में कई अफसर। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने SDM के माध्यम से CM धामी को पत्र भेजा है। इस पत्र में सरकार की महत्वाकांक्षी नंदा गौरा योजना का बालिकाओं को लाभ नहीं दिए जाने का जिक्र किया गया है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य की बालिकाओं के उत्थान के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नंदा गौरा योजना शुरू की गई, जिसका लाभ राज्य की अनेक कन्याओं को मिल रहा है, मगर मसूरी में इस योजना का लाभ बालिकाओं को नहीं मिल पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका नाम है नंदा गौरा योजना, जिस योजना के तहत 11 वर्ष लड़की के जन्म पर 11,000 रूपए, और लड़की जब 12वीं कक्षा पास करती है, उत्तीर्ण करती है, तो उस लड़की को, उस छात्रा को 51,000 रूपए दिए जाते हैं। इस कड़ी में, इस योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा साफ करा कहा गया है कि जो भी लड़की 12वीं पास करेगी उसे 51,000 रूपए की धनराशि सरकार द्वारा, बाल विकास आयोग द्वारा दी जाएगी। पर बाल विकास आयोग द्वारा और उनके अधिकारियों द्वारा इस योजना को लाभार्थियों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों से मसूरी की जितनी बालिकाएं 12वीं उत्तीर्ण करी है, 12वीं पास करी है, उनमें से बहुत ही कम लड़कियों को इस धनराशि का लाभ मिला है। उसका कारण यह है कि बाल विकास आयोग ने चुनिंदा स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को इस स्कीम के अंतर्गत लाया है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया है कि हर वो लड़की जो नियम कानून के अंतर्गत आती है, जो 12वीं पास करके अपने आगे पढ़ाई करना चाहती है, उसे 51,000 रूपए की। देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत की तीसरी पुण्यतिथि पर देहरादून के कनक चौक स्थित उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री और पूर्व सैनिकों ने उनको पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनको याद करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वे हमारे देश और उत्तराखंड का गौरव है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय युवाओं को सेना में ऊंचाई की छूट मिली है, वह सीडीएस जनरल विपिन रावत की ही देन है, और उनके योगदान को उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश हमेशा याद रखेगा। को नमन किया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्योंकि मैं जब भी उनसे मिला वो उत्तराखंड की बात करते थे, उत्तराखंड के बारे में सोचते थे। आज हमारे नौजवानों को भर्ती में जो 5 सेंटीमीटर की छूट मिली है, उसका श्रेय किसी को जाता है तो जल्द विपिन रावत को जाता है। जब मैं आपके पास गया, उस टाइम मैं विधायक हुआ करता था, आप चीफ और आप स्टाफ थे, मैंने कहा सर हमारे यहाँ के जवान जो भर्ती होते हैं, हमारे लोगों की हाइट कम होती है,
और 20 दिन के अंदर उसका जियो कराकर आपने मुझे भेजा। मैं दिल की गहराइयों से उस महान शख्सियत को नमन करता हूं, प्रणाम। ऋषिकेश के निकट लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने एक नेपाली मूल के नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 737 ग्राम भांग पत्ती बरामद की है। अवैध रूप से भांग पत्ती तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने नशे के सौदागर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने पूरी मामले को लेकर जानकारी दी है। कांग्रेस के पौड़ी जिला प्रभारी ज्योत सिंह गुनसोला ने रविवार को पौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिस दौरान निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वहां कहा गया कि अभी से कार्यकर्ता इन चुनावों की तैयारियों में जुट गए, जहां पर इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के सुझाव भी लिए और कहा कि पार्टी को मजबूती के साथ निकाय चुनाव में जीत दिलाने के लिए एकजुट होकर काम किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जी ने और उत्तराखंड की प्रभारी श्रीमती कुमारी शैलजा जी ने ये दायित्व हम सबको दिया है। 13 जिलों में 13 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, उसमें पौड़ी जिले के लिए हमको भी ये दायित्व दिया कि आप वहां पर जाकर स्थानीय निकाय के जितने संभावित प्रत्याशी हैं उनसे भी मिलिए, कांग्रेस के संगठन को कितनी मजबूती प्रदान की जा सकती है, कांग्रेस का संगठन किस तरह से जो है लामबंद होकर सारे कार्यकर्ता जिसको भी पार्टी टिकट दी। राज्य सरकार को राजभवन से बड़ी खुशखबरी मिली है। राजभवन से मलिन बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में 582 पंजीकृत मलिन बस्तियों को बचाने के लिए सरकार ने अध्यादेश जारी किया था, जिसके बाद अब अध्यादेश को 3 साल तक आगे बढ़ाने की स्वीकृति मिल चुकी है। हालांकि विपक्ष अब सवाल उठाने लगा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि सरकार मलिन बस्तियों को लेकर कोई निर्णायक फैसला क्यों नहीं कर लेती है, ये तो सिर्फ आगामी चुनाव में लाभ के लिए किया जा रहा है। करण मेहरा ने कहा कि सरकार को मलिन बस्तियों को पक्ष में ठोस कानून बनाना चाहिए, जहां पर करण मेहरा प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात कही। फैसला क्यों नहीं करते थे निर्णायक फैसला, ये तो ऐसा लगता है कि अभी निकाय चुनाव में लाभ लेने की दृष्टि से समय बढ़ा दिया है और कल को निकाय चुनाव निपट जाएंगे, मजबूत हो जाएगी सरकार, तो फिर क्या कहते हैं इनको उजाड़ा जाएगा। तो एक बेहतरीन कानून लाया जाए और ये स्पष्ट कर दिया जाए कि आप रख रहे हो या हटा रहे हो। कांग्रेस के पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष भागीरथ भट्ट ने सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा सरकार को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताया। भट्ट ने मीडिया से दिए बयान में मुख्यमंत्री के लोहाघाट दौरे का सरकारी धन की बर्बादी बताया, जहां पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक प्राइवेट स्कूल का उद्घाटन कर प्राइवेट शिक्षा और स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं और प्रदेश में सरकारी स्कूल बदहाल पड़े हैं, विद्यालय के भवन जर्जर हो चुके हैं। तीर्थनगरी ऋषिकेश में इन दिनों सनातन धर्म की आड़ में कुछ साधु वेदधारी मांस मदिरा का खुलेआम सेवन कर रहे हैं, जिसको लेकर हिंदू संगठन से जुड़े लोग एक्टिव मोड पर नजर आए। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने बताया कि तीर्थनगरी के एक विशेष स्थान पर सूचना मिली कि दो साधु वेशधारी दुकान में बैठकर नशे में धुत मांस का खुलेआम सेवन कर रहे हैं, जिन्हें संगठन से जुड़े लोगों द्वारा दबोचा गया। बताया गया कि मौके पर पहुंचे पुलिस द्वारा कथित साधुओं को कोतवाली ले जाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, माथे पे चंदन लगा रखा है, बिल्कुल सनातनी साधु बने हुए हैं और यहाँ बैठ के दारू पी रखी है, भीड़ मच्छी खा रहे हैं। हमने उनका विरोध किया तो कह रहे हैं हम द्वारा काम यही है। अब साधुओं का अगर मीट खाना है, हिंदुस्तानी सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, ऐसे वो कौन सी सरकार है, ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो साधुओं के वेश में यहाँ पर हिंदू समाज का बेवकूफ बनाया जा रहा है, उन्हें भिक्षा मिल रही है, वो भिक्षा खा के दारू पी रहे हैं और भीड़ खा रहे हैं। ऋषिकेश में गांजा लेडी रेखा साहनी के नशे के कारोबार से जुटाई संपत्ति की कुर्की होगी, जहां पुलिस ने बताया कि थाना ऋषिकेश में गैंगस्टर एक्ट में नामजद आरोपी रेखा साहनी लंबे समय से ऋषिकेश क्षेत्र में अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थी, जिसकी अवैध संपत्ति के जब्तीकरण की रिपोर्ट न्यायालय मजिस्ट्रेट को प्रेषित की गई। इसके बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं।
देहरादून 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। इसी को लेकर ऊर्जा निगम की तरफ से टीमें गठित की गई है, जिसकी खेलों के अंदर विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाई, जहां पर आयोजन स्थल और आसपास के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के लिए टीमों को तैनाती की गई है, जहां पर सभी जिलों के लिए नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार में युवा कल्याण और खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी संबंधित विषय पर विभागीय अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ कहा कि हम प्रयास करेंगे कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास मोदी जी के द्वारा ही किया जाए। मसूरी में यातायात को कम करने और एक बेहतर पर्यटन अनुभव का सुविधाजनक बनाने के लिए प्रशासन मॉल रोड स्थित क्षेत्र में गोल्फ कार्ट शुरू करने जा रहा है, जहां पर सूत्रों में बताया गया है कि गोल्फ कार्ट की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जहां ये प्रक्रिया पूरी हुई, शुरुआत में गोल्फ कार्ट पेश की जाएगी, जहां पर मॉडल स्कूल पर चलने वाले साइकिल रिक्शा संचालकों ने इस कदम का विरोध भी किया है। इस संबंध में डीएम को पहले भी ज्ञापन दिया गया है। कि जो हम सर्विस शुरू कर रहे हैं, ये हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम शुरू कर रहे हैं और शुरुआत के स्तर पे ये 4 गोल्फ कार्ट्स यहाँ पे आई हैं, जो कि हमारी लाइब्रेरी चौक से पिक्चर पैलेस तक चलेंगी और ये इस बार के कार्निवल में देखने को भी मिलेगा। रिक्शा चालक का भी कहना है कि अगर गोल्फ कार्ट चलते हैं तो उनके व्यवसाय प्रभावित होगा। देखिए, ये तो एक मार्केट ड्रिवन स्ट्रेटेजी है हमारी और सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लोगों को जिनको गोल्फ कार्ट से जाना है वो गोल्फ कार्ट यूज़ करें, जिनको रिक्शे यूज़ आना है रिक्शे से यूज़ करें। और यहाँ पर हमें भी पता है कि टूरिस्ट इतनी भारी मात्रा में आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनका रोजगार कहीं से प्रभावित होगा, बल्कि एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोगों को एक और अट्रैक्शन मिलेगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फुटफॉल बढ़ेगा भी। हल्द्वानी मंडी बाईपास के पास जंगल में एक निजी विश्वविद्यालय के छात्र का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जहां पूरा मामला हल्द्वानी कोतवाली के अंतर्गत मंडी चौकी क्षेत्र का है। सूचना मिलने पर तत्काल सीओ सिटी नितिन लोहनी, कोतवाली राजेश यादव समेत अन्य अधिकारी और मंडी चौकी पुलिस मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घटनास्थल को बारीकी से जांच पड़ताल की गई। बताया जा रहा है कि छात्र की लाश पेड़ पर लटकी हुई पाई गई। देखिए, होंडा बाईपास से अंदर जो रास्ता जाता है, इसमें अंदर जंगल में 500 मीटर अंदर एक बॉडी रिकवर हुई है। अभी फॉरेंसिक एविडेंसेस वगैरह अभी ली जाएंगे, इसमें फॉरेंसिक टीम ने अपने जो भी सैंपल्स हैं वो कलेक्ट कर लिए। इसके अलावा पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा गया है। अब आगे की जो भी जिस हिसाब से साइंटिफिक एविडेंस आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की है। किस तरीके की बॉडी है, कितने उम्र का है? देखिए, कॉलेज स्टूडेंट है और अभी फिलहाल देख के लग रहा है कि अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, बॉडी वैसी है। तो अब ये जो भी साइंटिफिक एविडेंस होंगे उसी के। रामनगर के ग्राम मलधन चौट क्षेत्र में एक विवाहिता महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई गई। वहीं मामले में तहसीलदार कुलदीप पांडे ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। हाँ, अभी जस्ट मुझे एजेंट साहब से सूचना मिली कि मालदन चौड़ में एक महिला के द्वारा सुसाइड अटेम्प्ट किया गया है, जिसके बाद बॉडी यहाँ सीएससी रामनगर रामदत्त हॉस्पिटल में लाई गई है, ब्रॉड डेड लाई गई, जिसके बाद मुझे मजिस्ट्रेट नामित किया गया है उनके पंचनामे के लिए, चूँकि मृतका रामनगर की रहने वाली और शादी इसके मात्र 2 वर्ष हुए हैं, तो उसमें मजिस्ट्रेट के द्वारा पंचनामा भरा जाना है। खबर रानीखेत से है, जहां छावनी परिषद ने कर बकायेदारों के लिए जगह जगह पर कैंप लगाने की सुविधा दी है। जनता की सुविधा के लिए करों का भुगतान ई छावनी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिसके करदाता घर बैठे ही करों का भुगतान कर सकते हैं। छावनी परिषद का टैक्स जमा नहीं किया जाता है तो बकायेदारों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जहां छावनी परिषद के सीईओ कुणाल रोहिल्ला ने बताया कि छावनी परिषद के काफी कर बकाए हैं, जहां पर यदि करदाता की ओर से निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया जाता तो छावनी अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
प्रतिशत के काफी कर्ज जो है वो बकाया है, काफी केंद्र सरकार पे, राज्य सरकार पे। तो राज्य सरकार में भी देहरादून में काफी सीनियर ऑफिसर से मीटिंग हुई है और प्रशासन ने भी पूरा आश्वासन दिया है इसके लिए सहयोग करने का। 2 करोड़ के आसपास राज्य सरकार के कर बकाया है जो जल्दी ही छावनी परिषद को पे किए जाएंगे। इसके अलावा 2 करोड़ के आसपास ही जो है मार्केट में और यहाँ के हाउस टैक्स जो छावनी परिषद का बकाया है, तो उसके लिए भी जनता की सुविधा के लिए हम कैंप लगाने जा रहे हैं ताकि जनता टैक्सेस बिना किसी हैसल के पे कर सके। और अभी ई छावनी की भी सुविधा है ताकि जनता अपने घरों से ही ऑनलाइन टैक्सेस पे कर सकती है, उनको यहाँ छावनी परिषद के। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से शीतकालीन 4 धाम यात्रा की शुरुआत कर दी है। यात्रा का शुभारंभ को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि शीतकाल में 4 धाम का पूजन रुकता नहीं है, प्रवास स्थल में 6 महीने तक पूजा अर्चना की जाती है। उन्होंने कहा कि लोग जो ग्रीष्मकाल में 4 धाम यात्रा पर नहीं आ सके वे शीतकाल में 4 धाम के दर्शन कर सकेंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने एक बेहतर पहल शुरू की है। उन्होंने कहा है कि यह स्थानीय लोगों और 4 धाम यात्रा व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पूरे भारत के अनेकों राज्यों के लोग, विदेशों से भी, उत्तराखंड के जो भौगोलिक दृश्य है, धार्मिक क्षेत्र का एक प्रमुख स्थान है, हर प्रकार के खेलों का एक केंद्र बनता जा रहा है। उस हिसाब से क्योंकि शीतकाल में भी ईश्वर का पूजन रुकता नहीं है और जहाँ जहाँ गद्य स्थल है उन स्थलों पर पूजन होता है, और जो लोग ग्रीष्मकाल में किसी कारणवश यात्रा पूजन नहीं कर पाए ऐसे लोग शीतकाल में। राजधानी देहरादून के दून अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों द्वारा मरीजों को अस्पताल से बेहतर दवाइयां लिखकर दी जा रही है, जहां पर इसकी वजह से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने कहा कि हमने साफ निर्देश दिए हैं कि डॉक्टर मरीजों के लिए वही दवाई लिखेंगे जो अस्पताल या जन औषधि केंद्र में उपलब्ध हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो दवाई हमारी फार्मेसी यानी जन औषधि केंद्र में खत्म हो गई हो, जिसे देखते हुए हम सख्ती करते हैं कि उपलब्ध दवाइयां ही मरीजों को लिखकर दी जाए। देखिए, वो हमारे निर्देश बहुत क्लियर हैं कि शुरू से ये है कि जो हम जो दवाई लिखेंगे जो यहाँ अवेलेबल है वही हमें दवाई लिखनी है, और इनवेरिएबली कोशिश यही होती है कि जो दवाई हमारे पास उपलब्ध है या जो जन औषधि केंद्र में मिल जाए वो ही लिखी जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई दवाई जो लिखी जा रही है वो उससे जन औषधि केंद्र मतलब हमारी फार्मेसी में खत्म हो गई हो या वो उपलब्ध ना हो, तो ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर्स लिख देते हो, लेकिन इस बात के लिए हम लोग बार बार सख्ती करते हैं कि जो दवाई फार्मेसी में अवेलेबल